हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हमारे आज का टॉपिक है कॉस्ट इसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे साथ ही साथ हम और भी इंपॉर्टेंट uh, टॉपिक्स लेंगे जो कि है हमारे स्टैटिक्स से रिलेटेड चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर दें वीडियो को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में हम uh, और भी अपने uh, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं वॉट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का आपको ये बताना है अगर आपने कॉस्ट का मीनिंग पता कि पता है आपको अगर आपको इसका फीचर्स पता है तो आप इसको थ्रू भी बता सकते हैं ऑप्शंस देखिए कॉस्ट असरटेनमेंट टैक्स कंप्लाइंस फाइनेंशियल ऑडिट प्रॉफ़िट एनालिसिस अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए जो कॉस्ट का जो डायरेक्ट अगर हम देखें जो मेन प्राइमरी फंक्शन है कॉस्ट का वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कि कॉस्ट को एसरटेन करना यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे देखना कि उस पूरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है और आप उसके जो भी आपने उस पर एक्सपेंस किया है आप ऐसे कौन कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे कि आपको बेनिफिट भी हो जाए ठीक है तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को एसरटेन किया जाता है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर होगा जबकि बी सी एंड डी हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच फॉर्म अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो अप्रोप्रिएट है किस फॉर्म के लिए हमें ये बताना है ब्रिकले फॉर्म्स ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स हॉस्पिटल्स या ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं ब्रिक ब्रिकलेन फॉर्म में डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती हैं ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं वहीं अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स की तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है पहले जो ऑयल होता है उसको काफ़ी प्रोसेस में हम उनको क्या करते हैं रिफाइन करते हैं जब तक वो बिल्कुल प्योर नहीं हो जाता यानी कि डिफरेंट प्रोसेस हुई तब हम हमारे पास जो जो बेस्ट आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या होगा और बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद निकल कर आएगा इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन हाउ मैनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन यानी कि कितनी तरह से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कॉस्ट uh, को क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री वेज से टू वेज से फोर वेज से या फिर मैनी वेज से तो फ्रेंड्स अगर आपने ये uh, पढ़ा होगा जब आपने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर डिफरेंट क्लैरिफिकेशन दिए होते हैं कि आप कॉस्ट को कितने टाइप्स में डिफाइन uh, कर सकते हो क्लासीफाई कर सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर दो तीन या चार तरीके नहीं हैं बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कर सकते हो जैसे कि इंटरनल कॉस्ट हो गई एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैनी वेज ठीक है आप उसको कैसे भी कर सकते हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते cost, हो कॉस्ट ठीक तो है ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई तो डिफरेंट वेज है यानी कि एक्टिविटी के बेसिस पे आपने उसको कर दिया फंक्शन के बेसिस पे आपने कर दिया या फिर प्रोडक्ट से कंसर्न है उससे रिलेटेड कर दिया जैसे कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट रिलेटेड है तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट तो आप डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आप उसका क्लासिफिकेशन जो भी है वो आप पूरा प्रोसेस आपको पता है या फिर आप कोई और नया तरीका आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टाइप्स होते हैं इन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट आते हैं विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है इनकर्ड होती है जो हम किसी भी कंपनी को क्लोज करते हैं शट डाउन करते हैं ठीक है संक कॉस्ट टोरिकल कॉस्ट शटडाउन कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट यहाँ पे क्लोजिंग की बात की जा रही है ठीक है परमानेंट है क्लोजिंग कर रहे हैं आप किसी भी कंपनी को तो वहाँ पे इनकट कौन सी कॉस्ट होगी तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शटडाउन कॉस्ट क्योंकि आपने अपने बिजनेस को शटडाउन कर दिया है तो वहाँ पे शटडाउन कॉस्ट आएगी संक कॉस्ट वो होती है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो संक कॉस्ट कहलाती है स्टोरिकल कॉस्ट होती है जो हमारी प्रीवियस टाइम से रिलेटेड होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हमारी इससे रिलेटेड नहीं आएगी जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस और नोन एज अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेज एक्सपेंसेस एक्सपेंसेज चार्जेबल एक्सपेंसि या फिर मेजर एक्सपेंसेस तो देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर आ, बात करें इसका आंसर आप मुझे बताइएगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट right आंसर बता दूंगी तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका राइट right आंसर आपको पता है या नहीं ठीक है तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके ऊपर छोड़ूं जिससे कि आप अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर करें नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है और हम तभी उसको गूगल करते हैं तो वो ऑल टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है ठीक है तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है नेक्स्ट है वेअर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट अब वेयरहाउस रेंट जो है वो हमारे किस कॉस्ट का पार्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का प्राइम कॉस्ट का या फिर फैक्ट्री कॉस्ट का तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयर हाउस की बात की जा रही है तो वेयर हाउस हमारा किसे कंसर्न होता है ये हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है जो हम जो भी हमारा माल है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जो भी हमारे पार्टी है उसको तो वहां पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि हम अपना जो भी रेंट आ रहा है हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं यानी कि उसके प्राइस बढ़ा देते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज टेंडर यानी कि टेंडर क्या है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स या फिर एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस तो अब यहाँ पे बताना है कि टेंडर प्राइस जो होता है वो हमारा किससे कंसर्न होता है तो फ्रेंड टेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक टेंडर जो होता है उसमें कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं होता है ना कि प्रॉफिट का ना ही यूनिट का इसके अंदर होता है हमारे सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है आ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज अब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये हमारे उसके पूरे टोटल को क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल प्राइम कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट की बात आई है तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के जितना भी बैलेंस होता है उस पूरे टोटल को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं ठीक है थेके? नेक्स्ट है वॉट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग अब इसमें से कौन सा आइटम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लानिंग कंट्रोलिंग तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जा रही है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप यहाँ पर देखिए हम क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसर्न है कॉस्टिंग की बात कर रही है प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये हमारे अकाउंटिंग की कोई भी हमारी ब्रांच हो सब में काम आएगा ठीक है तो अकाउंटिंग की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है ये आप सबको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई ठीक है तो यहां पर बच्चा क्या प्रॉफिट शेयरिंग ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग नेक्स्ट है

आप मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगी या फिर आप टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैं इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले आपको वो वीडियो अपलोड कर दूँगी वो टाइम आप देख लीजिएगा अपना चैनल पे जाके और फ्रेंड्स कल भी मैंने एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पे मैंने वो पोस्ट करी थी कि मैं दोनों में अपलोड करूँगी फिर भी जो मेरी इंग्लिश की वीडियो थी उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो मैं हिंदी में चाहिए हिंदी में चाहिए जबकि फ्रेंड्स मैंने हिंदी में उससे ठीक एक घंटे पहले हिंदी में उसी क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था तो प्लीज़ आप एक बार उससे पहले की उसके थोड़े बाद की वीडियो देख लिया कीजिए ऊपर मैंने उसमें थंबनेल में बहुत अच्छे से बड़े बड़े फॉन्ट में एक्सप्लेन भी किया था कि ये हिंदी में है ये इंग्लिश में है तो प्लीज आप देख लिया करिए क्योंकि अब मैं आपको इंग्लिश में जो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी वही क्वेश्चंस हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस इंग्लिश वाली वीडियो में अलग है और हिंदी वाली वीडियो में अलग है दोनों वीडियो में क्वेश्चंस सेम रहेंगे जिससे कि जो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी सॉल्व करें ठीक है तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहेगा कि हिंदी वाली वीडियो में क्वेश्चन अलग हैं और इंग्लिश वाली में अलग हैं दोनों वीडियो में सेम क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ दोनों का जो टाइम है वो एक घंटे का होगा डिफरेंस दोनों में मैं कोशिश करूँगी कि पहले हिंदी की ही वीडियो अपलोड करूँ लेकिन अगर कभी टाइम के अकॉर्डिंग या नेटवर्क प्रॉब्लम है उस वजह से अगर कभी इंग्लिश की वीडियो मैं पहले डालती हूँ तो आप एक घंटे बाद हिंदी की वीडियो देख लिया करिए और फ्रेंड्स कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँ ठीक है तो आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी में नहीं दूंगी हिंदी में भी वो वीडियो होगी और इंग्लिश में भी होगी तो आप दोनों देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे मेरी फेशबुक आईडी पर या फिर मेरी जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर जा मुझे फॉलो कर सकते हैं क्वेरी अपनी वहाँ भी पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के शेयर करें और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए Bye bye.